CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनिशाला में। प्यारे बच्चों, आदाब। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमनारा खां, NCERT न्यू दिल्ली से। बच्चों, आज हम आपको मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म मिट्टी का दिया पढ़ाएंगे, जो आपकी 6ठी जमात की किताब अपनी जबान में पहला सबक है। इससे पहले कि हम आपको मिट्टी का दिया नज्म पढ़ाएं, मैं आपको मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में 1837 में पैदा हुए। घर पर कुरान से तालीम का आगाज किया, फारसी और अरबी में महारत हासिल की और मुख्तलिफ उनवानात पर उन्होंने नज़में लिखी, जिसमें सादगी और रवानी के साथ साथ ये नज़में बहुत ही पुर असर हैं। सिर्फ इन्होंने नज़में ही नहीं लिखी बल्कि कुछ नसरी तसानीफ भी लिखी हैं, जिसमें हयात जावेद और यादगार गालिब और मकालात हाली मशहूर हैं। हाली ने किताब मुकदमा शेर व शायरी भी लिखी। हाली सिर्फ अच्छे शायर ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे नसर निगार भी थे, नक़ाद भी थे, और उन्होंने बहुत सी नज़में जो लिखी हैं हमारी और भी किताबों में, NCERT की पहली से लेकर और 12वीं तक की किताबें हैं, उनमें हाली की इन नज़मों को शामिल किया गया है, जिनमें ख़ास हैं बरखा रुत, बरसात, माँ बाप और उस्ताद, सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी, हक में तुम्हारे नेमत वगैरह इनकी नज़में हैं जो कि इस्लाही नौयत की हामिल हैं। चलिए फिर हम इस नज़म को पढ़ते हैं। और इससे कबल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मिट्टी का दिया आप लोगों ने देखा होगा, मिट्टी का भी होता है, तांबे का भी होता है, चांदी का भी होता है, सोने का भी होता है, लेकिन मिट्टी का ये दिया, जिस जो नज़म हाली ने इस नज़म में जो बात कही है उसको हम इस नज़म में पढ़ते हैं। और ये देखिए मैं इसको किस तरह से पढ़ती हूँ, क्योंकि किसी भी नज़म को जब आप पढ़ें तो ऐसा पढ़िए कि दूसरों की समझ में बखूबी आ जाए। तो नज़म का उन्वान है मिट्टी का दिया। झुट पुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। झुटपुटे का वक्त यानी शाम का वक्त, शाम के वक्त जब अंधेरा शुरू होता है तो उस वक्त में घर से बुढ़िया ने एक मिट्टी का दिया जो है वो लाकर रख दिया, सरे राह यानी रास्ते में रख दिया, ताकि राहगीर यानी मुसाफिर, रास्ता चलने वाले और परदेसी उससे कहीं ठोकर ना खाएं और हर कोई उस राह से गुजर जाए, क्योंकि जब अंधेरा होता है बच्चों तो कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसे में अगर ये मिट्टी का दिया या कोई रोशनी हमको नज़र आती है तो हम उससे रास्ता आसानी से पार कर लेते हैं। राह से गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। यहाँ पे शायर ये कहता है कि ये दिया जो मिट्टी का दिया है उन झाड़ों और फानूस से, झाड़ और फानूस जो हैं उनसे इसलिए बेहतर है कि ये झाड़ फानूस जो हैं ये तो महलों के अंदर हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन बाहर जो होते हैं वहाँ पर मिट्टी का दिया ही जो है रास्ते में अगर हम उसको रखें तो वो लोगों को रास्ता भी दिखाता है और लोग रास्ते को आसानी से तय कर लेते हैं। तो महलों में झाड़ फानूस लगे हुए हैं, ये जो है सिर्फ महलों के अंदर ही इसकी रोशनी रहती है, बाहर नहीं रहती। अगले शेर में कहता है कि है अंधेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ, घर निकलकर एक जरा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ। तो दरो दीवार पर जब आप महलों से बाहर निकलेंगे तो महल के दरो दीवार जो हैं उन पर अंधेरा छाया हुआ है। तो यहाँ जो है वो शायर क्या कहता है कि महल के बाहर अंधेरा होने से शायर की क्या मुराद है, ये सवाल बड़ा बामायनी है। महलों के अंदर बाहर अंधेरा रहने से मुराद सिर्फ रात के अंधेरे तक महदूद नहीं है, बल्कि इस सवाल में नुक्ता भी पोशीदा है कि हुकुमरान हजरात अवाम के मसाइल से बेखबर रहते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी तो महलों में ऐशो आराम से गुजरती है, लेकिन अवाम को किन किन तकालीफ
से गुजरना पड़ता है या उनकी जिंदगी कैसे बसर होती है उससे वो बेपरवाह होते हैं। इसी तरह ये सवाल कि दूसरों की भलाई के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जो तलबा ये इंतहाई एक मुफीद और अहम है कि तलबा को भलाई करने की तरगीब देता है कि मिट्टी के मामूली दिए से राहगीरों को जो फायदा होता है वो बादशाह के महल में झाड़ फानूस से नहीं मिलता। यहाँ बुढ़िया की दर्द मंदी और इंसानियत दोस्ती का अंदाजा होता है। आखिरी शेर है, सुर्ख रू आफाक में वो रहनुमा मीनार है रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार है। अब हम इसके माने जो है वो देखते हैं। अब इसमें एक लफ्ज आया झुटपुटे के वक्त, सूरज डूबने के वक्त यानी शाम के वक्त, सरेरा यानी रास्ते में, राहगीर रास्ता चलने वाला या राही, परदेसी मुसाफिर दूसरी जगह का रहने वाला, झाड़ शीशे का बना हुआ एक किस्म का शमादान, फानूस चिराग की हिफाजत करने वाला शीशा, सदा सदा के मायने होते हमेशा, सुरखरू कामयाब, आफाक उफक की जमा दुनिया कायनात, रहनुमा मीनार वो रोशन मीनार जो समंदरों में जहाजों और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं, मल्ला कश्ती चलाने वाला, बेड़े जहाजों और कश्तियों का काफिला, बेड़ा पार होना मंजिल पर पहुंचना कामयाब होना। तो ये सब लफ्ज भी आपने समझ लिए और मैं समझती हूँ बच्चों आपको ये नज्म अच्छी तरह से पढ़नी आ गई होगी और जो मैंने मतलब आपको बताया इसके माने बताए वो भी आपके समझ में आ गए होंगे। अब ये सवाल कि बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया, हम इसमें से एक सवाल निकालते हैं नज्म में से बच्चों कि बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया। तो बुढ़िया ने मिट्टी का दिया झुटपुटे के वक्त जो है जब शाम का वक्त था उस वक्त रोशन किया। रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था, मकसद यही था कि हर कोई आसानी से वहां से गुजर जाए, इसलिए उसने रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन किया। मिट्टी का दिया झाड़ फानूस से बेहतर इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज जो इंतहाई कारामद और मुफीद होती है अगर उसके वजूद से आम आदमी को फायदा नहीं होता तो उसका वजूद बेमानी हो जाता है। जैसे बादशाह के महल में जलने वाले फानूस और झाड़ अपनी रोशनी महल की चार दीवारी से कोई फायदा नहीं पहुंचता, जबकि बुढ़िया का मामूली मिट्टी का दिया बादशाह के झाड़ो फानूस से बेहतर है। रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में कौन सी चीज मदद करती है, यानी एक रहनुमा मीनार होते हैं वो रोशन मीनार जो समंदरों में जहाजों और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। अब अगला सवाल है, दूसरों की भलाई के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दूसरों की भलाई के लिए बहुत से काम है जो आप लोग कर सकते हैं। किसी को रास्ता भी अगर आप पार करा देंगे, कोई नाबीना है या कोई चल नहीं सकता तो उसको रास्ता भी अगर आप पार करा देंगे, या कोई भटका हुआ मुसाफिर है अगर उसको भी रास्ता आप बता देंगे, ये भी एक भलाई का काम है। तो इस तरह से भलाई के काम आप सोचिए क्या क्या आप कर सकते हैं और उनको करिए। अब इसमें कुछ मुतजाद अल्फाज हैं, जैसे आसान, आसान का मुतजाद वो होगा मुश्किल, बेहतर का बदतर हो जाए और अंधेरे का उजाला। तो इस तरह से हमने मुतजाद अल्फाज इसमें लिए। अब नज्म के मिसरे हमको मुकम्मल करने हैं। तो इसमें है, झुटपुटे के वक्त से एक मिट्टी का दिया, घर से एक मिट्टी का दिया, ताकि राहगीर और कहीं ठोकर ना खाएं और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, रोशनी से जिनकी किसके पेड़ पार है, मल्लाहों के पेड़ पार है। तो बच्चों आपने ये नज्म सुनी और इसका मतलब भी मैंने आपको बताया, तो इस नज्म का मतलब आप अपने लफ्ज़ों में लिखिए। अगर आपने कोई भलाई का काम तो ज़रूर किया होगा बच्चों, तो अगर आपने कोई भलाई का काम किया है तो उसे अपने अल्फाज में लिखिए। गौर करने वाली बात यही है, आपने पढ़ा कि मिट्टी के मामूली दिए से राहगीरों को कितना फ़ायदा पहुँचा, वो ठोकर खाने से बच गए और दिए की थोड़ी सी रोशनी में उन्होंने आसानी से रास्ता पार कर लिया। अब आप समझ गए होंगे कि लोगों की मदद करने और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों और रूपवैसों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मदद करने के जज्बे और दर्दमंद दिल की ज़रूरत होती है। तो बच्चों आपने इसमें ये दो तीन एक्सरसाइज और हैं इस किताब में जो हमने मशकें दी हैं, तो इसमें एक एक्सरसाइज ये भी है कि कालम अलिफ और कालम बे को पिसरों को मिलाकर सही शेर लिखिए कि झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया तो एक बुढ़िया ने सरेरा लाके
रोशन कर दिया। राह से गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, ताकि रागीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं। रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से। इसके अलावा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने और भी नज़में कही हैं, उसमें से एक नज़म है बरसात। बरसात सर पे आई, काली घटाएं लाई, घिर घिर के आए बादल, फिर फिर के आए बादल, मोती लुटा रहे हैं, दरिया बहा रहे हैं, इस तरह की ये नज़म है। इसी तरह से एक नज़म और है, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत, कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत, चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ों का मानो। तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी, माँ बाप का अजीजों माना ना जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत सिर का रहना। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत। इसी तरह से एक नज़म और है कि बढ़ाओ ना आपस में मिलत ज़्यादा, बढ़ाओ ना आपस में मिलत ज़्यादा, मुबादा के हो जाए नफरत ज़्यादा, तकल्लुफ़ अलामत है बेगानगी की, न डालो तकल्लुफ़ की आदत ज़्यादा। तो देखा आपने, इसमें कितने अच्छे ढंग से हाली ने जो है ये कहा है कि तकल्लुफ़ की आदत जो है वो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि तकल्लुफ़ में है सरासर तकलीफ ज़्यादा है, किसी शायर ने कहा है। तो इसी तरह से तकल्लुफ़ अलामत है बेगानगी की, न डालो तकल्लुफ़ की आदत ज़्यादा। इसी तरह से और भी इनकी नज़में, बरखा रुत है जो हमारे NCERT की किताबों में शामिल है। और हाल ही के सिलसिले में बच्चों एक बात और बताना आपको चाहूँगी कि उनकी जो ज़बान है वो बहुत ही सादा है, आम फहम है, और उनकी नज़मों में हमें बहुत रवानी देखने को मिलती है। जैसे कि ये नज़म, झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरेरा ला के रोशन कर दिया। तो कोई लफ्ज़ इसमें ऐसा नहीं है बच्चों जिसे आप नहीं समझ पा रहे होंगे। झुटपुटा एक लफ्ज़ है, तो उसके मीनिंग हमने आपको बता दी कि शाम का वक्त जब अंधेरा हो जाता है, थोड़ी सी रोशनी थोड़ा अंधेरा होता है, तो उस वक्त बुढ़िया ने उस दिए को लाकर, मिट्टी के दिए को लाकर रोशन कर दिया। तो उस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए और मुसाफिरों को रास्ता दिखाने के लिए उस मिट्टी के दिए को उन्होंने, बुढ़िया ने सड़क पर जो है वो रोशन कर दिया। तो दिए को जो है वो बेहतर इसलिए बता रहे हैं कि दिया जो है, ये मिट्टी का दिया जो बुढ़िया ने सरेरा यानी रास्ते में रखा, तो उससे तो बहुत लोगों फ़ायदा हो रहा है। तो पहले शेर में कहता है ना, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, यानी झाड़ फानूस जो कि महलों में लगाए जाते हैं, इनसे बहुत तेज़ रोशनी निकलती है, तो वो सिर्फ वहाँ के रहने वालों की नहीं होती है, उनका फ़ायदा जो है वो आम लोगों को नहीं पहुँचता। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ। तो यहाँ शायर कहते हैं कि कम से कम महलों के बाहर आप जब देखेंगे, महलों के अंदर तो बहुत रोशनी है, लेकिन महलों के बाहर जो है अंधेरा जो है वो उनके दरो दीवार पर छाया हुआ है, कहीं रोशनी का नामो निशान नहीं है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो इंसान की ज़िंदगी क्या होती है कि कहा जाता है ना कि ज़िंदगी वही है जो दूसरों के काम आए। तो दूसरों के काम आने के लिए आप कोई भी जो है उसमें, ज़रूरी नहीं है कि आप रुपया पैसा खर्च करें उसके अंदर, बल्कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए मदद करने का। और मदद करने का जब जज्बा आपके अंदर होगा तो आप बड़े से बड़ा काम जो है वो कर सकते हैं। तो सुर्ख रू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़ा पार हैं, यानी मल्लाहों के बेड़ा पार, बेड़ा पार होना एक मंजिल पर पहुँचना, कामयाब होना। जो मल्लाह हैं, जो कश्ती खेने वाले हैं, तो वो भी कैसे कुछ रहनुमा मीनार बने होते हैं रोशनी के, जो समंदरों में जहाज़ों और कश्तियों को रास्ता दिखाते हैं। तो मल्लाह जो होते हैं यानी कश्ती चलाने वाले, वो उनका काफ़िला वहाँ से जो है उन रोशन मीनारों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अपने सफ़र को मुकम्मल कर लेता है। तो इस तरह से वो अपने रास्तों को जो है वो मंजिल पर पहुँचते हैं और कामयाब होते हैं। तो एक छोटी सी रोशनी या एक छोटी सी, अगर आप किसी की जो है कोई मदद करते हैं, तो वो उसकी ज़िंदगी में कितनी मददगार साबित होती है, जब आप इसको करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी तरह से दूसरों की भलाई
में जो सुकून मिलता है, कभी करके देखिए आपको कि अगर आप किसी की भलाई करते हैं या कोई मदद करते हैं तो आपको उसको करने के बाद कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है कि हमने किसी की मदद करी। इसी तरह जब इस नज़्म के बारे में आप लिखेंगे तो नज़्म के बारे में लिखने मतलब जब लिखेंगे तो उसको एक एक शेर को पढ़ते जाएंगे, पहले तो ये लिखेंगे कि ये नज़्म जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है और अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो उर्दू के बड़े शायरों में हैं और उन्होंने मुख्तलिफ उनवानात पर नज़में लिखी हैं, जिसमें से एक नज़्म जो है ये मिट्टी का दिया है। और मिट्टी का दिया नज़्म में जो मरकज़ी ख्याल है वो यही है कि एक मिट्टी का दिया जिस तरह से राहगीरों को और परदेसियों को रास्ता दिखाने में या उनकी भलाई का उनकी मदद करता है, रास्ते से वो आसानी से गुजर जाते हैं, इसी तरह से हमें भी दूसरों की भलाई जो है वो करनी चाहिए। तो हाली ने सिर्फ नज़में ही नहीं लिखी बल्कि और दूसरी नसरी किताबें भी लिखी हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सबक के शुरू में बताया था। मुकदमा शेर व शायरी है, हयात जावेद है, यादगार गालिब है। और ये भी कहा जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान के साथ जो थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आप जानते ही हैं कि उन्होंने इस्लाही काम किए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, वो हमेशा तालीम पर तवज्जो देते थे। तो हाली ने भी इस्लाही नज़में लिखी जिसमें से मैंने दो एक आपको सुनाई। इसी तरह से उन्होंने और भी लिखी है, सच बोलो सच्चे कहलाओ, सच की सबको रेज दिलाओ, यानी सच बोलने पर, अखलाकियात पर, झूठ ना बोलने पर, भलाई के काम करने पर। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी आपसे कि इन्होंने नई नज़्म की बुनियाद डाली हाली ने। वो किस तरह से डाली कि इन्होंने, क्योंकि तालीम तो घर जो है अरबी फारसी की हासिल की थी लेकिन उनका मुताला खासा वसी था, तो ये किताबें पढ़ते थे। फिर पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत अख्तियार की, वहाँ पे जो है वो किताबें अंग्रेज़ी की किताबें तर्जुमा होके आती थी, उनकी प्रूफरीडिंग करते थे, उससे भी उनको खासा जो है वो अंग्रेज़ी अदब के बारे में मालूम हुआ। और जदीद नज़्म की बुनियाद इस तरह डाली कि सिर्फ मिसरा तरह नहीं दे दिया जाता था, यानी कोई मिसरा दे दिया जाए और उसमें नज़्म कह दी जाए, इस तरह नहीं, बल्कि उन्होंने मौजूआत पर नज़में लिखवाईं, जो मुख्तलिफ मौजूआत पर जो है उनकी ये बरखरुत है। और दूसरे लोगों को भी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और दूसरे लोगों ने मिलकर जो है ये मुशायरा एक नए तरह के मुशायरे की तरह डाली इन्होंने। और उसके बाद फिर जो नज़में लिखी गईं वो मुख्तलिफ मौजूआत पर लिखी गईं, और उन्होंने ज़्यादातर फितरी नेचर पर जो हैं बहुत सी नज़में लिखी, बरसात है और दूसरी नज़में हैं बरखरुत है, या सच की सबको रेस दिलाओ यानी सच्चाई के रास्ते पे चलो, झूठ मत बोलो। तो इस तरह की जो नज़में लिखी गई उसमें मुसलसल इजहार ख्याल किया जाता था, और नेचरी नज़में ज़्यादा होती थी, फितरी अंदाज की नज़में ज़्यादा होती थी। तो इस तरह से हाली ने जो है नई जदीद नज़्म की बुनियाद जो है वो डाली, और उसके बाद उन्होंने उर्दू शायरी में खासे गरा कदर इजाफे किए, जिसमें ये मिट्टी का दिया नज़्म जो है हमारी छठी जमात की किताब में शामिल की गई है। और इसके शामिल करने का मकसद भी यही था कि तो ये है कि इसका जो मरकज़ी ख्याल था वो बहुत अच्छा था कि मिट्टी का दिया जो है वो किस तरह से झाड़ और फानूस से बेहतर है, किस तरह से आवाम को यानी आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। तो इस तरह से आज की नज़्म में हमने यही जाना कि हमें अपने किसी काम को करने के लिए या लोगों की मदद करने के लिए या भलाई का काम करने के लिए जो है मिट्टी के दिए की तरह से, जिस तरह से मिट्टी का दिया जो है मामूली मिट्टी का दिया जो है उसने राहगीरों को फ़ायदा पहुंचाया और वो अंधेरे में भटकने से बच गए, ठोकर खाने से बच गए, गिरने से बच गए और उन्होंने आसानी से रास्ता पार कर लिया, इस तरह आप समझ गए होंगे कि लोगों की मदद करने से दूसरों को कितना फ़ायदा होता है। मदद के लिए आपके अंदर एक जज्बे की दिल ज़रूरत है, एक दर्दमंद दिल की ज़रूरत है। जैसा कि आपने देखा इस नज़्म में बुढ़िया जो है उसकी हमें एक दर्दमंदी भी नज़र आती है और इंसानियत भी नज़र आती है। वो चाहती तो नहीं रखती लेकिन उसने मिट्टी का दिया जो है वो इसलिए रखा ताकि हर कोई जो है वहाँ से गुजर जाए, आसानी से गुजर जाए। उसने उसको महसूस किया और महसूस करने के बाद उस जज्बे के तहत उसने रास्ते में मिट्टी के दिए को रोशन किया। तो आपको भी ऐसे ही काम करने हैं, करने चाहिए। और आज का जो दौर है, जो अब चल रहा है, बीमारी का दौर है, पैंडमिक है, और इसमें जो है आप सब लोग घर पर ही जो है पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आसपास आप किसी गरीब को देखते हैं तो उसकी मदद कीजिए। और मदद
किस तरह से की जाती है वो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप किसी को कोई दवाई ला के कर सकते हैं, किसी को कोई सामान घर ला के कर सकते हैं, किसी का छोटा मोटा काम करके डिस्टेंसिंग को मैनेज करते हुए आप लोग जो हैं दूसरों की मदद कर सकते हैं। और इस नज़्म को आप जो हैं वो मिट्टी का दिया बनाकर इस नज़्म को, इस नज़्म के मरकज़ी ख्याल पर घर में घर वालों से भी बातचीत कीजिए और उस बातचीत को आप जो है लिखिए, लिखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप ऑडियो बनाइए, ऑडियो में इस नज़्म को आप गा के भी पढ़ सकते हैं, तहतुल लफ्ज़ में भी पढ़ सकते हैं, तरन्नुम से भी पढ़ सकते हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो मैंने पहले ही बताया था, नज़्म के शुरू में ही बताया था कि आपको जो नज़्म को पढ़ना है वो ठहर ठहर के पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ताकि आप जब उस नज़्म को पढ़ें तो वो नज़्म पढ़ने से ही आपकी समझ में आधी आ जाए और उसके बाद जब उसको आप गौर से पढ़ें तो उस नज़्म का जो सेंट्रल व्यू है, जो उसका मरकज़ी ख्याल है, वो भी आपकी समझ में बखूबी आ जाए। तो इस तरह से आप ये करिए, ऐसे ही जो है आपके आसपास में आप किसी को देखते हैं कि वो कोई आदमी जो है किसी के लिए काम कर रहा है, जैसे कि अभी लॉकडाउन में कुछ लोगों ने भी जो कि साहिब इस्तेताद थे, जिनके पास पैसा था, उन्होंने भी अपने आसपास ऐसे गरीब लोगों को देखा और उनके घर पर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, जिसमें राशन की चीज़ें, जिसमें तेल है, आपके दालें हैं या आटा है, उनके घर तक पहुंचाया। तो इस तरह से वो लोग जो कि लॉकडाउन में जो मज़दूर लोग हैं या जो रोज़ाना काम करने वाले लोग हैं, इस तरह से उनकी मदद हुई और वो भी जो है अपनी ज़िंदगी को चला सकें। अगर उनको खाने को नहीं मिलेगा या तो क्या होगा, भूखे मरेंगे, तो भूखे किसी भूखे को खाना खिलाना जो है वो भी बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो इस तरह से आप लोग जो आपने अभी तक जितने भी भलाई के काम किए हैं उनको जो है कॉपी में लिखिए और उसको लिखकर उसको या तो आप कहानी की शक्ल में भी उसको लिख सकते हैं। कहानी की शक्ल में किस तरह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मैंने आज जो है ये किया और एक घर में गया मैं और गई या गया जो भी है, बहरहाल वहाँ पे लोग जो हैं वो भूखे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, ये मुझे मालूम हुआ अपने किसी दोस्त के ज़रिए, तो या फ़ोन पे हमने किसी के ज़रिए मालूम किया, क्योंकि अब तो अनलॉक है और अनलॉक में तो पता चल ही जाता है किसके पास खाने को नहीं है या किसके पास क्या नहीं है, तो वो चीज़ें जो हैं आप उन तक पहुँचा सकते हैं। तो उसको कहानी की शक्ल में भी आप लिख कर अपने दिली जज्बात और एहसास का इजहार कर सकते हैं, छोटी सी कहानी लिख सकते हैं और उसमें अपने वाक्यों को वाक़ियाती अंदाज में लिख दीजिए। नज़्म भी लिख सकते हैं, जिस तरह के हाल ही ने मिट्टी का दिया लिखी नज़्म, इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं। कोई छोटी सी नज़्म जो है आपने जो काम किया है उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इस नज़्म में शायर ने ज़्यादातर उसकी बात कही है कि एक दूसरे की मदद करें और दूसरे एक दूसरे की भलाई करें और हमदर्दी का जज्बा रखें। जब हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा एक दूसरे में रखेंगे, दूसरे के लिए रखेंगे, तो हम समझते हैं कि समाज में जो नारवा सलूक लोगों के साथ किया जाता है, तो अच्छा रवैया हमेशा इंसान को दूसरों के साथ करना चाहिए और अच्छाई ये करनी चाहिए कि जो आप अपने लिए करते हैं वो दूसरों के लिए भी करें। यह ना हो कि आप अपने लिए तो अच्छा सोचें और दूसरों के लिए सोचें, कंजूसी करें, नहीं हम इसको इतना था दे देते हैं। तो दिल खोल कर जो है वो मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग जो हैं वो इस नज़्म को लिखें, मिट्टी का दिया बनाइए, इस किताब में भी बना हुआ है, वैसे मिट्टी का दिया आपने देखा होगा, उस मिट्टी के दिए को बनाकर इस नज़्म को लिखिए और उसके मरकज़ी ख्याल पर घर में जो है वो अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों से इस पर बातचीत कीजिए और उनको बताइए कि किस तरह से एक मिट्टी का दिया जो है वो कैसे मुसाफिरों के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हुआ और उसने बुढ़िया की जो दर्दमंदी है, जो उसकी इंसानियत है, वो इसमें हमें नज़र आती है और हमें भी इसी तरह से कुछ काम करने चाहिए। अगर आपने कुछ काम किए हो तो उनको अपनी कॉपी में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, घर में बताइए, घर में इस नज़्म को तरन्नुम से पढ़िए, तहतुल लफ्ज़ से पढ़िए, घर में अपने जो है भाई बहनों को सुनाइए,
और अपने माँ बाप से इसके मरकजी ख्याल पर या इसका जो सेंट्रल व्यू है उस पर जो है आप बहस कीजिए। तो मैं समझती हूँ कि नज़्म आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गई होगी और आगे जो है और भी इस किताब में नज़में हैं जो हम आपको वक्तन फवक्तन और दूसरे शायरों की हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस नज़म को आप पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, समझने के बाद उसका मतलब लिखिए और उसके बाद फिर उसको को जो है लिखकर और उसके बारे में अगर आपने कुछ उसको बोलकर एक ऑडियो बनाइए और ऑडियो बनाकर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज हमने इस नज़म के ज़रिए यही सीखा कि हमें लोगों की मदद करने में रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक जज्बे की ज़रूरत है और एक जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, एक दर्दमंद दिल होना चाहिए, तभी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये नज़म मैं समझती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसमें नज़म को पढ़ना, समझना, लिखना और इसके मरकजी ख्याल पर भी हमने खासी तफसील से गुफ्तगू की और आपकी समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस नज़म को बखूबी जो है समझकर उसका जो मतलब है वो लिखेंगे, उसके मरकजी ख्याल को लिखेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और हाल ही की और नज़में आप जो हैं वो इंटरनेट पर जो है खोज कर तलाश करके आप उन नज़मों को पढ़िए और उन नज़मों को इकट्ठा कीजिए और उनको इकट्ठा करके उसको जो है एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए और उसमें लिख दीजिए कि हाल ही की नज़में। तो इस तरह से आपने क्या किया कि आपने इंटरनेट से नज़मों को ढूंढा, उन नज़मों को लिखा, खुशखत अंदाज में लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए। जो जो तीन या चार नज़में तो आप ढूंढ ही सकते हैं, मैं ज़्यादा नज़मों तो नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन नज़मों को इकट्ठा करके एक एल्बम भी बना सकते हैं। एल्बम बनाने के बाद फिर उसमें आप जैसे मिट्टी का दिया है तो मिट्टी के दिए की तस्वीर बना दी, ऐसे बरसात नज़्म है क्या, कैसे बारिश हो रही है, क्या हो रहा है उसको, इसी तरह से और दूसरी बरखा ऋतु है तो बरखा ऋतु में क्या क्या, उस मौसम में क्या क्या होता है, बागों में झूले पड़ते हैं या लोग कैसे जो है उस मौसम को मनाते हैं और बरखा ऋतु में कैसे बागों में बहार आ जाती है, कैसे कलियाँ खिल उठती हैं, तो उन सब की तस्वीरें भी जो है आप अगर बना सकते हैं तो ज़रूर बना लीजिएगा। लेकिन नज़मों का जो है छोटा सा इंतखाब 4-5 नज़मों का आप हाल ही की नज़मों का कर सकते हैं और एक उसका एक एल्बम बना लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो मरकज़ी ख्याल लिखा है उस मरकज़ी ख्याल को भी लिख लीजिए और इस नज़म को आप घर में भी गा गा कर तैतुल नज़में अपने घर वालों को सुनाइए। तो आज की ये नज़म जो थी मिट्टी का दिया आपने सुनी और उसको सुना और समझा और इसमें जो काम आपको बताए गए, जो जो मैंने अभी आपको मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ या मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ बनाई हैं, अगर आप इनको बनाएंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा और दूसरी चीज़ ये नज़म बखूबी आपकी समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।